हेलो स्टूडेंट्स, सामने ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हुए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग देखेंगे ऑनियन का पिल, मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तैयार हैं आप सब लोग? जोर से बोलिए। वेरी गुड। सबको पता है बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हम आप सबको समझा चुके हैं। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होते हैं, कई सारे लेंस रहते हैं उसमें। इसमें हम लोग बड़ा मैग्निफिकेशन कर पाते हैं, यानी काफी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा गुना बड़ा करके देख पाते हैं। तो कल इसके मैग्निफिकेशन को सिखाए थे आप सबको, बहुत अच्छा। माइक्रोस्कोप का क्या क्या पार्ट है आइए फटाफट समझ लेते हैं। नीचे क्या है? बेस, फुट, इसको क्या कहते हैं? पिलर। ये क्या है हमारा? स्टेज। ये क्या है? हैंडल हो गया हमारा। ये हो गया बॉडी। क्या हो गया? बॉडी। इसको आईपीस कहते हैं, क्योंकि हम लोग देखते किससे हैं? आईपीस से। और नीचे जो जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी भी स्लाइड को रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव। इससे हम अपने फोकस को एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट, क्योंकि मेन फोकस जो है वो किससे होता है? इस कोर्स एडजस्टमेंट से। और आदमी का आंख अलग अलग है, उसके लिए वो अलग अलग क्लियर विजिबिलिटी का अलग अलग पावर होता है। तो अपने आंख के हिसाब से उसका विजन सबसे ज्यादा क्लियर कहाँ है, उसको फाइन एडजस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है। तो ये माइक्रोस्कोप के सिंपल पार्ट है, इधर आईपीस और नीचे ऑब्जेक्टिव। याद है आप सबको? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले स्लाइड की बात करते हैं। तो स्लाइड दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक तो परमानेंट स्लाइड, काफी परमानेंट स्लाइड हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसमें क्या है ना कि स्लाइड पहले से बना हुआ आता है, जैसे किडनी है मैमल्स का, उसका यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसको आसानी से हम देख करके ये पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, किस तरह के टिश्यू के लेयर्स पाए जाते हैं, उसका पूरा हिस्टोलॉजी क्या है। अब भैया हम लोग बायोलॉजी के छात्र हैं, एक्सपेरिमेंट तो करना हमारे खून में है, और एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो कभी कुछ मन करेगा, कभी कुछ मन करेगा। जैसे अभी हमको मन कर गया कि प्याज के सेल को देखें, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं टेम्पोररी स्लाइड। क्या बनाते हैं? अब टेम्पोररी स्लाइड का प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या है आइए समझते हैं। वैज्ञानिक साहब बैठेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो अब हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑनियन पिल को देखने वाले हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना चश्मा माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उतार देना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक टेम्पोररी स्लाइड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप, कुछ काम नहीं है तो घर में बैठ के प्याज छिलिए। प्याज के टुकड़ों में एक ऐसा परत निकाला जा सकता है आसानी से, जो काफी पतला और पॉलीथीन के जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। देखें, देखिए निकल गया, हाथ से निकल गया, छुट्टा क्या पकड़ा है? बोलन जी, हाथ से निकल गया। स्लाइड को पूर्ण रूप से क्या कर लेना है? साफ। चलिए, स्लाइड को साफ करने के बाद हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया। देखो फ्रेश इसमें लगा दिया, देख रहा है? देख रहा सबको? सट गया है। अब इसका करेंगे इस पर कलर। क्या करेंगे? तो यहां पर हम जिस स्ट्रेन को यूज करने जा रहे हैं उस कलर का नाम क्या है? ग्राम सेफरिन स्ट्रेन। क्या नाम है? बस थोड़ा सा स्ट्रेन हम ब्रश पर लिए और ब्रश से अब इस पर क्या करेंगे? स्ट्रेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब ये सूख जाएगा तो फिर दिखने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए इस पर हम थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे। क्या डालेंगे? थोड़ा सा इस पर हमने क्या लगा दिया? ग्लिसरीन, ताकि अब ये सूखेगा नहीं। अब इसके ऊपर एक कवर ग्लास हम डालेंगे। कवर ग्लास डालते समय याद रखेंगे कि टेम्पर कैसे लगाते हैं, एयर नहीं रहना चाहिए, एयर नहीं रहना चाहिए। अब इसको अच्छे से हम ऐसे ऐसे ठोक ठोक के जो भी एयर है इससे क्या करेंगे? निकाल देंगे। और इसको थोड़ा दबा देंगे, ज्यादा दबाएंगे तो फूट सकता है ग्लास। ये दब करके हो गया रेडी, ठीक है। ये तैयार हो गया हमारा टेम्पोररी स्लाइड। क्या तैयार हुआ? और हम अपने सामने लेकर के आ जाएंगे हमारे सबसे बड़े मेहमान माइक्रोस्कोप अंकल को। इस स्लाइड को सबसे पहले यहाँ एडजस्ट करेंगे। हमको इसको देखना है 10x पर। कितने पर देखना है? 10x पर देखना है। ऊपर भी क्या लगाना है? 10x। क्या लगाना है? 10x ऊपर लगाना है। 10x आईपीस, 10x ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर लाइट सोर्स को एडजस्ट करना है। क्या करना है? लाइट सोर्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लासरूम में है, यहाँ पर नेचुरल लाइट सोर्स है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मिरर की जगह क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। अब हम यहां से इसको देखेंगे, पहले हम देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
देखना चाहेंगे आप लोग? तो ये आपका ऑनियन पील का जो है स्लाइड रेडी है। अब इसकी कोशिकाएं कैसी दिखेगी, क्या लगता है कैसा होगा कोशिका? तो ऑनियन की जो कोशिकाएं होती है ऑनियन पील की, वो लंबी लंबी होती है, जिसके अंदर कोशिका भित्ति भी आपको आसानी से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? सेल वॉल दिख रहा है, कोशिका भित्ति दिख रहा है। चल